पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होके लगे, मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जो हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी। और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उनका आभारी हूं। वहीं ये संदेश ये देता है कि नकारात्मक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। नेताजी ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, वही भाईचारा को लेकर के जो नेताजी ने राजनीति की है, उसका समर्थन जनता ने किया है। इसलिए मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही जिस तरीके से प्रशासन ने और सरकार के इशारे पर जिस तरीके से दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि जनता ने उस दबाव को नहीं माना और नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया है। जहां हम आज मैनपुरी में जनता का धन्यवाद देते हैं, वहीं खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूं। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन, वो अन्याय किया।
उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। अगर वहाँ पर फेयर इलेक्शन होता, वहाँ पर प्रशासन अगर जबरदस्ती नहीं करता, तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत रामपुर की होती। मैं एक बार फिर मैनपुरी की जनता का धन्यवाद देता हूँ, जो मैनपुरी के मतदाताओं ने जो जीत दिलाई है, जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है नेताजी को, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। डिंपल यादव को जो जिताया, ऐतिहासिक वोट दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और समय समय पे हमारे प्रेस के लोगों ने भी सहयोग किया, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मैनपुरी कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है 2024 के लिए। इस चुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम किया है। इस चुनाव के परिणाम ने 2024 के लिए संदेश दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जोश और उनको ऊर्जा देने का काम किया है। वहीं जनता को यह भरोसा भी है कि जो लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, और जिनकी सरकार में बड़े पैमाने पर गरीब और शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके खिलाफ जो लगातार साजिश हो रही है, और इस मौके पर मैं धन्यवाद दूंगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपने थे, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने थे, एक बार मैनपुरी की जनता ने वो कर दिखाया। जहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, मैनपुरी के मतदाताओं ने कम से कम ये दिखाया है कि जो विचारधाराएं थी उस विचारधारा पे चल के ही सफलता मिलेगी। बहुत कोशिश की प्रशासन ने, आप भी जानते हैं, हमारे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस रात भर ढूंढती रही, एजेंट न बन जाएं ये साजिश रचते रहे। जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख, उसके घर दबिश पुलिस कूद गई बाउंड्री पार करके, वहाँ पर तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चंद्रशिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुँचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करैल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूँ मैं, किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता और जनता का धन्यवाद देता हूँ। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सबने मिलकर के पार्टी को जिताया है, हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। मैनपुरी, करहल, किसनी, भूगांव, इन सब ने मिलकर के, और जसवंत नगर ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उसके लिए मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जिस तरीके मुझे खुशी है, ये पीछे के ये फोटोग्राफर जो मोबाइल वाले, हट जाओ पीछे पीछे मोबाइल वाले, ये मोबाइल वाले जो हैं, हट जाइए पीछे। ऐतिहासिक जीत दिलाई है मैनपुरी के मतदाताओं की, जीत भी सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है, जो नेताजी ने मेल झोल की, भाईचारे की, स्वार्थ की राजनीति की है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनके दोनों के सपनों को, जो नेताजी ने रास्ता अपनाया, उसी रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने मान सम्मान बढ़ाया है, हम सब लोग मिलकर के मैनपुरी की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 के में जो ये परिणाम है, इसने एक नई ऊर्जा दी है। 2024 के लिए नया रास्ता खोला है, नई ऊर्जा दी है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और जनता को। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय शिवपाल चाचा जी, उनका भी दल समाजवादी पार्टी में साथ आ गया है, और अब एक ही झंडे के नीचे सब लोग काम करेंगे। किस तरीके की जिम्मेदारी मिलेगी आगे की रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, और हमारा किसान जो दुखी है, जो किसान की तकलीफ और परेशानी है,
उसको कैसे दूर किया जाए।